हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे छेना के रसगुल्ले। आप हलवाई जैसे रसगुल्ले घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं ये रसगुल्ले। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लेना है, 1 लीटर दूध हमने काऊ मिल्क लेना है और इसमें मदर डेरी या आप अमूल का दूध ले सकते हैं। इसको हम एक भगोने में कर लेंगे। सारे दूध को हम अच्छे से करने के बाद गैस जलाएंगे और गैस पे रख देंगे इसे उबलने के लिए, और इसमें हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब तक इसमें एक उबाल आता है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। और देखिए, इसमें उबाल आने लगा है तो हम इसको ठंडा होने के लिए 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। और जब तक ये ठंडा होता है 2-3 मिनट के लिए, हम एक नींबू लेंगे और नींबू का रस हम निचोड़ लेंगे कटोरी में। जितना नींबू लेंगे उतना ही हम पानी मिला लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको अब हम नींबू के रस से दूध को फाड़ लेंगे और हम थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। आप चाहे तो विनेगर से भी इसको फाड़ सकते हैं। आप विनेगर, जितना विनेगर लेंगे उतना ही पानी मिला लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए और इसको चलाते रहिए लगातार। और जब ये फटने लगे तो हम इसमें नींबू का रस डालना बंद कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे। और देखिए, हम चला रहे हैं, दूध फटने लगा है थोड़ा थोड़ा करके और हमने सारा नींबू का रस डाल दिया है। दूध अच्छे से फट चुका है। अब हम इस दूध को कपड़े में छान लेंगे और दूध अच्छे से फट के तैयार हो चुका है। अब इसको हम कपड़े में डाल देते हैं। सारा दूध हम कपड़े में डाल लेंगे और जो इससे नीचे दूध बचेगा उससे हम आटा भी गूंथ सकते हैं। और ये सारा छेना हमने, सारा दूध हमने इसमें डाल दिया है कपड़े में और इसको हम निचोड़ लेंगे कैड़ा करके। और जो इसमें खट्टापन है नींबू का, उसको दूर करने के लिए हम इसमें पानी से इसको अच्छे से डाल के धो लेंगे। 2-3 बार हम पानी से वाश कर लेंगे इसको अच्छे से और इसको हम, ये साफ़ हो जाएगा, इसका खट्टापन दूर हो जाएगा। फिर हम इसको निचोड़ लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हम थोड़ी देर इसको ऐसे करके निचोड़ेंगे कैड़ा करके तो इसका सारा दूध निकल जाएगा। हमने निचोड़ लिया है, अब इसको हम एक थाली में करके रख लेते हैं। और देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है। अब इस डो को हम हाथों से, हथेलियों से मलेंगे। कम से कम 10 मिनट तक इसको अच्छे से हम मस लेंगे हाथों से, जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमें इतना सॉफ्ट बनाना है जब तक ये मक्खन जैसा नहीं हो जाता तब तक हम इसे अच्छे से मलेंगे। अब ये हमने अच्छे से मल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच हम मैदा डाल देंगे। मैदे से अच्छे से बाइंडिंग आएगी इसमें और इसको हम जैसा सॉफ्ट बना लेंगे। और ये डो बना के हमने तैयार कर लिया है और ये काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और ऐसे हम गोल गोल इसकी छोटी छोटी बॉल बना के तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हमने सारी बॉलों को तैयार कर लेना है। अगर इसमें क्रैक आता है तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से मल लेंगे, जिससे कि अच्छे से स्मूथ हो जाए। और ये देखिए, सारी बॉल बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम एक भगोने में लेंगे चीनी, 1 कटोरी चीनी लेंगे और इसका 3 गुना पानी डालेंगे। हमने 3 कटोरी इसमें पानी डाल देंगे। इसमें आँच हमारी हाई फ्लेम रहेगी और इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। इसमें हमने क्रश करके इलायची पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा केसर डाल दिया है, इससे अच्छा कलर आएगा इसमें चाशनी में। और इसको हम चलाते रहेंगे और जैसे चाशनी में अच्छे से उबाल आ जाएगा हम इसमें एक एक करके सारी बॉलों को डाल देंगे। हमें एक साथ बॉलों को नहीं डालना है, नहीं तो इससे चाशनी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और बॉल हमारी फट सकती हैं। इसलिए हम एक एक करके ही सारी बॉलों को डालेंगे। और इसको डालने के बाद, इसमें अच्छा उबाल आ चुका है तो हम 10 मिनट के लिए इसको उबलने देंगे और 10 मिनट तक इसको अच्छे से हम ढक के पकाएंगे। और ढक के पकाने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। चाशनी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो रही है इसलिए हम उसको थोड़ा पतला करेंगे। तो हमने पानी को उबाल लिया था पहले ही, और उसको अच्छे से उबालने के बाद पानी को चमचे से डालेंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे कि इसका टेम्परेचर कम ना हो। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे। और इसको हमने डाल दिया है और रसगुल्ले भी हमारे अच्छे से फूल के बड़े बड़े हो चुके हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे 6-7 घंटे के लिए।
ऐसे ही छोड़ देंगे। और देखिए रसगुल्ले हमारे बनके तैयार है, हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। सारे रसगुल्लों को हम ऐसे ही बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए कितने स्पंजी और सॉफ्ट बनके हमारे रसगुल्ले तैयार हुए हैं। ये देखिए अब इसको हम निचोड़ के दिखाते हैं कि इसमें कितना रस है, आप कितने जूसी, ये कितने जूसी बनके तैयार हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।